हेलो गाइस, मैं पुष्पन धाकर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी जो आधार कार्ड या आपकी जो आईडी से कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं, हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा और गूगल पे जाकर आपको लिखना पड़ेगा TF टैप और साथ में लिखना पड़ेगा कॉप। टैप कॉप कंज्यूमर पोर्टल या टैप कॉप पोर्टल क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले जो लिंक आ रही है यहाँ पर टैप कॉप कंज्यूमर पोर्टल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका गवर्नमेंट का पोर्टल खुल जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी अभी हाल फिलहाल में आप चला रहे हैं और उस पर रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आपका यहाँ पर OTP पे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके पास OTP आएगा और आपको OTP डालकर यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। जैसे ही आप OTP डालेंगे और वैलिडेट करेंगे तो वैलिडेट करने के साथ ही आपके यहाँ खुल जाएगा ये लिस्ट ऑफ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ऑन योर आईडी। यहाँ पर ये मोबाइल नंबर जो है आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ दो ही मोबाइल नंबर हैं बट ये चार पाँच जगह से क्यों दिख रहे हो, यहाँ पर स्विंग नंबर ऑफ 5 नंबर दिखते हैं, इस वजह से ये 5 बार दिख रहे हैं। बट आप देख सकते हैं कि टैली कर सकते हैं कि आपके पास केवल दो ही नंबर हैं, तो मेरे जो आईडी है उससे यहाँ पर दो नंबर चल रहे हैं। अगर आपके मोबाइल पे आपके आधार कार्ड से या आपकी वोटर आईडी जो भी आपकी आईडी रहेगी जिससे भी आप रजिस्टर्ड होंगे, आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप यहाँ से किसी के नेम ऑफ यूज़र उसके नाम से भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब सपोज़ करो कि आपका नंबर नहीं है तो आप दिस इज़ नॉट माई नंबर यहाँ पर टिक करेंगे और दिस इज़ नॉट माई नंबर पर क्लिक कर देंगे। अगर आप कहें कि ये मेरे को ज़रूरत नहीं है या फिर आपका बंद हो गया वो नंबर तो नॉट रिक्वायर्ड कर देंगे। यहाँ पर आपको नंबर ज़रूर सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, और आप यहाँ पर रिक्वायर्ड पर भी क्लिक कर सकते हैं, आपको ये चाहिए जैसे कोई नंबर है तो इस तरीके से। तो आप अगर मान लीजिए कि आप कोई फर्जी तरीके से किसी ने आपकी आईडी से नंबर लिया था, आप यहाँ से उसको आप बंद करा सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और दिस इज नॉट माई नंबर पे क्लिक करके आप यहाँ पर रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे तो वो रिपोर्ट हो जाएगा और कुछ दिनों बाद वो आपके वहाँ पर वो बंद हो जाएगा। तो गाइज, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल नंबर पर आपके जो आपके कितने मोबाइल नंबर आपकी आईडी से रजिस्टर्ड हैं और कोई फर्जी तो नहीं है या जो भी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।